Hello everyone, welcome to my YouTube channel Medicos Media. Today I am going to discuss homeopathic medicine Aconitum napellus. It is the most important medicine in our Matra Medica. It comes in exam for drug picture 20 marks. Its fever is also important, come for 5 marks, and mind is also come for 5 marks. For that purpose I have given a notes on that topic. So let's start the video. This is the plant Aconitum napellus. Its common name is monkshood. It belongs to kingdom Plantae. Its family is Ranunculaceae and flower is the Dr. Hahnemann. So come on the introduction. Aconite is a short and quick acting superficial remedy for acute and most distressing condition. यानी कि Aconite जो medicine है वो short, यानी कि जो patient को medicine दी जाती है वो short time में effect कर देती है, short time के लिए effect करती है. क्विक एक्टिंग सुपरफिशियल रेमेडी, क्विक एक्टिंग यानी कि स्पॉन्टेनियसली इफ़ेक्ट करती है. जब पेशेंट को मेडिसिन दी जाती है तो स्पॉन्टेनियसली इफ़ेक्ट कर जाती है वो मेडिसिन. सुपरफिशियल रेमेडी यानी कि ये बहुत डीप एक्टिंग नहीं है, सुपरफिशियल रेमेडी है फॉर एक्यूट एंड मोस्ट डिस्ट्रेसिंग कंडीशन. यानी कि जो एक्यूट डिसीजेस होती है, एक्यूट कंडीशन होती है और मोस्ट डिस्ट्रेसिंग होती है. मोस्ट डिस्ट्रेसिंग यानी बहुत ज़्यादा पेशेंट को सफरिंग होती है, बहुत ज़्यादा पेन होता है पेशेंट को, और वो कंडीशन जो है एक्यूटली होते हैं. ऐसी जो कंडीशन है उसमें एकोनाइट सुटेबल होती है. इट कम्स सडनली एंड वायलेंटली लाइक अ स्ट्रोम. एकोनाइट ये जो मेडिसिन है, जैसे कि हमने देखा डिसीज़ बहुत डिस्ट्रेसिंग है और बहुत ज़्यादा पेनफुल सफरिंग पेशेंट को कॉज होती है, इसलिए मेडिसिन भी कैसी है, एकोनाइट जो रेमेडी है. इट कम्स सडनली एंड वायलेंटली लाइक अ स्ट्रोम. एकोनाइट सडनली और वायोलेंटली एक्ट करती है जैसे कि स्ट्रोम की तरह, स्पॉन्टेनियसली इफेक्ट करती है और वायोलेंटली बहुत ज़्यादा डिग्री तक उसकी इंटेंसिटी होती है, यानी कि इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा होता है. इट इज़ ए इंडिकेटेड इन इनिशियल स्टेज ऑफ एनी एक्यूट डिसीजेस. कोई भी एक्यूट डिसीज़ के इनिशियल स्टेज में ये मेडिसिन इफेक्ट करती है. एंड नॉट टू बी कंटिन्यूड आफ्टर द पैथोलॉजिकल चेंजेस कम. कोई भी पैथोलॉजिकल चेंजेस आने के बाद ये मेडिसिन कंटिन्यू नहीं की जाती. जैसा कि हमको पता है कि एक्यूट डिसीजेस जो होते हैं वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होते हैं. जब डिसीज़ प्रोग्रेस हो जाता है, क्रोनिक कंडीशन में चला जाता है, तो अपने आप जो है पैथोलॉजिकल चेंजेस डेवलप होते हैं और पैथोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं. ऐसी जो कंडीशन है इसमें ये मेडिसिन कंटिन्यू नहीं की जाती. ये सिर्फ एक्यूट डिसीज़ और उसमें भी इनिशियल स्टेज में इफ़ेक्ट करती है. क्लिनिकल्स. It is indicated in initial stage of any acute disease such as apoplexy. Apoplexy यानी कि cerebral hemorrhage के बाद जो convulsion stage आ जाती है उसे कहते हैं apoplexy. अस्थमा, चिकन पॉक्स, कोलेरा, convulsion, epilepsy, croup, cough, diarrhea, bad effects of fear and fright, fevers, headache, हार्ट अफेक्शन, इन्फ्लामेशन, निमोनिया, वर्टिगो एट्सेट्रा. यानी कि ये जो डिसीज़ है इसके इनिशियल स्टेज में एकोनाइट इफेक्ट करती है. अब देखते हैं स्पेयर ऑफ एक्शन. एवरी ऑर्गन, टिश्यू एंड सिस्टम. यानी कि ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गन, टिश्यू और सिस्टम पर ये रेमेडी एक्ट करती है. कोई भी सिस्टम या ऑर्गन ये रेमेडी के एक्शन से एक्सक्लूड नहीं होता है. बट predominantly act on cerebrospinal nervous system, brain, serous and mucous membrane, blood and cardiovascular system. यानी कि बहुत ज़्यादा predominantly ये जो medicine है cerebrospinal nervous system और brain पर और blood और cardiovascular system यानी कि जो important vital system है brain और CVS जैसे, इस पर ये predominantly act करती है. अब देखते हैं pathogenesis. एकोनाइट कॉजेस टर्मोइल इन सर्कुलेशन. टर्मोइल का मतलब होता है कि वन ऑफ द टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस. एकोनाइट क्या करती है, एक टाइप का डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है सर्कुलेशन में, जैसे कि बेलड होना, टर्मोइल इन ब्रेन, ब्रेन में टर्मोइल क्रिएट करती है. चैमोमिला टेम्परामेंट में टर्मोइल क्रिएट करते हैं, वैसे ही एकोनाइट सर्कुलेशन में टर्मोइल क्रिएट करती है. इरिटेटिंग ब्रेन एंड सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम. एकोनाइट क्या करती है, ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम को इरिटेट कर देती है. अगर ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम इरिटेट हो गए तो वहाँ से आने वाले जो स्पाइनल नर्व्स है, क्रैनियल नर्व्स है वो भी इरिटेट हो जाएंगे और उसका इफेक्ट क्या होगा, सर्कुलेशन पर होगा। एक्साल्टेड एक्टिविटी ऑन द सर्कुलेशन, यानी कि एक्साल्टेड यानी कि एक्सट्रीम हो जाती है, सर्कुलेशन की जो एक्टिविटी है एक्सट्रीम हो जाती है। जो भी स्पाइनल नर्व्स सर्कुलेशन कंट्रोल करते हैं उस पे तो कोई इफेक्ट होगा ही, तो उनकी एक्टिविटी एक्सट्रीम हो जाती है, एक्साल्टेड हो जाती है। अगर सर्कुलेशन ही एक्साल्टेड हो गई, अगर सर्कुलेशन की एक्टिविटी एक्सट्रीम हो गई, एक्साल्टेड हुई, तो उसका कोई ना कोई असर आर्टरीज और कैपिलरी पर तो होगा ही। तो क्या होता है, कैपिलरीज और आर्टरी जो है पैरालाइज हो जाती है, कैपिलरीज पैरालाइज हो जाती है। अगर कैपिलरीज पैरालाइज हो रही है तो ठीक से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा, कैपिलरीज ठीक से ब्लड सर्कुलेट नहीं कर पाएगी, इसलिए आर्टरीज और कैपिलरीज में क्या होगा, टेंशन और कंजेशन क्रिएट होगा, यानी कि वहाँ पे ब्लड कलेक्ट होगा और उसकी वजह से टेंशन होगा और उसकी वजह से इन्फ्लामेशन क्रिएट होगा। अगर कैपिलरीज पैरालाइज हो रही है तो उसका तो हार्ट पर इफेक्ट होना ही है। तो क्या होता है, रिटार्ड्स द इंटेंसिटी ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट, हार्ट की जो फंक्शन करने की इंटेंसिटी होती है वो रिटार्ड हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पर। कॉन्स्टिट्यूशन, प्लेथोरिक सैंगवाइन पर्सनस, प्लेथोरिक इसका मतलब होता है अबेंडेंट ब्लड, जो भी पर्सन में अबेंडेंट ब्लड होता है उनकी कैपिलरीज ब्लड से बहुत ज्यादा भरी हुई होती है, इसे कहते हैं प्लेथोरिक, यानी कि कैपिलरीज ब्लड से ओवरफिल होती है। सैंगवाइन पर्सन यानी कि जो भी हैप्पी गो लकी पैटर्न जीते पर्सन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, उसे बातें करना अच्छा लगता है उनको, हमेशा उनका मूड फ्रेश होता है, हमेशा हंसते हुए दिखाई देते हैं, इसी पर्सन को कहते हैं सैंगवाइन पर्सन। रिजिड फाइबर्स, स्ट्रांग एंड रोबस्ट पर्सन, रिजिड फाइबर्स यानी कि वो उनके फाइबर्स ज़्यादा फ्लैबी नहीं होते, फ्लैबीनेस नहीं होता, स्ट्रांग और रोबस्ट होते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं हट्टे कट्टे टाइप के इंसान हम कहते हैं, ऐसे टाइप के वो पर्सन होते हैं। टेम्परामेंट, जैसे कि हमने डिस्कस किया सैंगवाइन टेम्परामेंट यानी कि हैप्पी गो लकी पैटर्न जीते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होते हैं, लोगों के साथ बातें करना उन्हें पसंद आता है, बहुत ज़्यादा हैप्पी लाइफ जीते हैं, हमेशा हंसते हुए रहते हैं, इसीलिए उन्हें सोशल बटरफ्लाइज भी कहा जाता है। और ऐसे जो पीपल्स है ब्लड रिलेटेड डिसीज से ज़्यादा प्रोन होते हैं, इन्फ्लामेशन से ज़्यादा प्रोन होते हैं, इन्फ्लामेटरी कंडीशन के, कोएगुलेशन कंडीशन के ज़्यादा प्रोन होते हैं। रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड, वार्म ब्लडेड पेशेंट होते हैं। मायाजम, सोरा इज इन द बैकग्राउंड, इनका मायाजम, ये रेमेडी का मायाजम है सोरा। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि ये मेडिसिन पैथोलॉजिकल चेंजेस आने पर कंटिन्यू नहीं की जाती, और पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया कि इन्फ्लामेशन है तो अगर कोई पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ रहे हैं तो स्टेज तो सोरा ही होगी, और इन्फ्लामेशन है तो सोरा बैकग्राउंड में होगा, इसलिए इसका मायाजम है सोरा। गाइडिंग सिम्टम्स, टेंशन, इट इज़ अ की नोट ऑफ एकोनाइट, टेंशन जो है वो की नोट होती है एकोनाइट, टेंशन ये जो है एकोनाइट की नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है रेमेडी का टेंशन। ड्यू टू द इरिटेशन ऑफ माइंड एंड अफेक्शन ऑफ द सर्कुलेशन, जैसे हमने पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में इरिटेशन होता है, अगर ब्रेन और सेरेब्रोस्पाइनल नर्वस सिस्टम में इरिटेशन होगा तो पेशेंट को तो मेंटल इरिटेशन होगा ही, मेंटल टेंशन तो क्रिएट ही होगा, उसकी इफेक्ट सर्कुलेशन पर होता है, सर्कुलेशन की एक्टिविटी एक्साल्टेड होती है, उसकी वजह से कैपिलरीज पैरालाइज हो जाती है, और आर्टरीज में भी टेंशन क्रिएट होता है। अगर आर्टरीज में टेंशन क्रिएट हो रहा है तो उसे हम फिजिकल टेंशन भी कह सकते हैं। तो हमने बाकी बचे हुए गाइडिंग सिम्टम्स याद रखने के लिए 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं, फर्स्ट तो है मेंटल टेंशन और सेकंड है फिजिकल टेंशन। हम अब मेंटल टेंशन के अंडर गाइडिंग सिम्टम्स डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है गाइडिंग सिम्टम्स मेंटल कंडीशन के अंडर रेस्टलेसनेस, और सेकंड है फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं रेस्टलेसनेस। इट इज़ अ वन ऑफ द ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस। ट्रायो का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर रूब्रिक है जैसे कि रेस्टलेसनेस है, उसके लिए टॉप 3 रेमेडीज चूज की जाती है और उसे ट्रायोज कहते हैं। तो रेस्टलेसनेस के लिए जो ट्रायोज है उनमें से एक मेडिसिन एकोनाइट है, बाकी है रस्टॉक्स जो फिजिकली रेस्टलेस है, अर्सेनिक जो कि मेंटली रेस्टलेस होते हैं, और एकोनाइट जो फिजिकली और मेंटली रेस्टलेस है। Aconite patient is very much restless, cannot remain in place. Aconite patient जो होते हैं बहुत ज़्यादा restless होते हैं, वो कोई भी एक जगह पर नहीं रुक पाते, हमेशा position change करते हैं, एक करवट से दूसरी करवट change कर लेते हैं, कोई भी एक position में नहीं रह पाते. He is full of energy, vigor, strength. As such, moves frequently from place to place. और जो aconite patient होते हैं वो energy, vigor और strength से full होते हैं, उनमें energy, vigor बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो move भी हो पाते हैं, frequently move होते हैं place to place. इसके exactly opposite है arsenic. ये जो patient होते हैं वो physically बहुत ज़्यादा weak होते हैं और इसलिए वो चाहकर भी move हो नहीं पाते. Mental tension के अंदर second point है, there is great fear and anxiety of mind with intense nervousness. यानी कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा डर होता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है. और एंजाइटी का मतलब होता है चिंता. ये हमेशा से चिंता करते रहते हैं कि डिसीज़ ठीक होगा या नहीं, ये इसमें से क्योर होगा या नहीं, इसमें से डिसीज़ में से ठीक हो गए या नहीं. हमेशा से टेंशन के माइंड में होता है, एंजाइटी उनके माइंड में होती है. विथ इंटेंस नर्वसनेस, अगर फियर और एंजाइटी, डर और चिंता होगी तो वो पेशेंट कैसे हो गए, नर्वस हो गए, वो फील ठीक से नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए. इसलिए फियर और एंजाइटी के साथ वो पेशेंट बहुत ज़्यादा नर्वस भी होते हैं. वेरी फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट एक्सप्रेसेस द फियर. अगर पेशेंट के माइंड में इतनी ज़्यादा फियर, एंजाइटी और नर्वसनेस है तो पेशेंट के फेशियल एक्सप्रेशन में एंजाइटी और फियर तो एक्सप्रेस होगा ही. पेशेंट टॉसेस इन अबाउट एगोनी, यानी कि पेशेंट डिसीज के सफरिंग में कुछ भी फेंकते रहते हैं, टॉस करते रहते हैं. फियर ऑफ डेथ इवन प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ. ही फील्स दैट डिसीज इज फैटल एंड ही इज श्योरली गोइंग टू डाई. पेशेंट थिंक्स दैट अनलेस प्रॉपर मेडिसिन इज टेकन ही इज गोइंग टू डाई एंड देयरफॉर वांट्स डॉक्टर टू बी कॉल इमीडिएटली. पेशेंट ऐसा थिंक करते हैं कि डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैटल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है और इस डिसीज़ की वजह से इनकी डेथ तो पक्की है और इसलिए वो डॉक्टर को बुलाना इम्पोर्टेंट समझते हैं. वो ऐसा थिंक करते हैं कि अगर वो डॉक्टर को नहीं बुलाएंगे, प्रॉपर ठीक से मेडिसिन नहीं लेंगे तो उनकी डेथ तो होना पक्का है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाने में इम्पोर्टेंट समझते हैं. इम्पोर्टेंट लगता है उन्हें डॉक्टर को बुलाना, इसलिए उन्हें इम्पोर्टेंट लगता है. इसके एग्जैक्टली अपोजिट है अर्सेनिक. अर्सेनिक पेशेंट डॉक्टर को बुलाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते, उन्हें ऐसा लगता है डिसीज़ बहुत ज़्यादा फैटल है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, अगर वो डॉक्टर को बुला भी लेते हैं और मेडिसिन ले भी लेते हैं तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए वो डॉक्टर को बुलाना इम्पोर्टेंट नहीं समझते. फियर ऑफ डेथ इवन प्रेडिक्ट द टाइम ऑफ डेथ. ऐसे बहुत सारे मेडिसिन हैं जिनमें फियर ऑफ डेथ होता है, बट एकोनाइट वो मेडिसिन से डिफ्रेंशिएट होती है क्योंकि वो फियर ऑफ डेथ के साथ टाइम और डेट भी प्रेडिक्ट करता है. क्लियर वॉयंस होता है, क्लियर वॉयंस यानी कि फ्यूचर इवेंट पहले से ही प्रेडिक्ट करना. एकोनाइट पेशेंट पहले से ही प्रेडिक्ट कर देता है कि उसकी डेथ कब होगी, कौन से टाइम पे होगी, इसलिए वो बाकी रेमेडी से डिफ्रेंशिएट होती है फियर ऑफ डेथ के बारे में. अब हमने मेंटल टेंशन डिस्कस कर लिया है तो बाकी की गाइडिंग सिम्टम्स हम फिजिकल टेंशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. फिजिकल टेंशन, बिकॉज ऑफ टेंशन एंड कंजेशन इन आर्टरीज देयर इज ए इन्फ्लेमेशन दैट लीड्स टू द ड्राई एंड हॉट स्किन विथ रेयर स्वेट. जैसे कि हमने पैथोजेनेसिस में डिस्कस किया कि पेशेंट के आर्टरीज में टेंशन और कंजेशन होता है, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन की स्टेज होती है. अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो पेशेंट की स्किन कैसी होगी, ड्राई एंड हॉट विथ रेयर स्वेट. पेशेंट की स्किन ड्राई एंड हॉट होती है और उसमें स्वेट बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है. नेक्स्ट सिम्टम है एकोनाइट स्क्रीम्स विथ पेन. पेन्स आर इनटॉलरेबल, दे ड्राइव हिम क्रेजी. पेन एसोसिएटेड विथ नमनेस. अगर किसी जगह पर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, टेंशन और कंजेशन आर्टरीज में क्रिएट हो रहा है तो पेशेंट का पेन कैसा होगा, बहुत ज़्यादा डिग्री तक होगा. इनटॉलरेबल यानी कि पेशेंट को बर्दाश्त ही नहीं होगा, बर्दाश्त से ज़्यादा होगा. और पेशेंट, एकोनाइट पेशेंट इस पेन की वजह से बहुत ज़्यादा स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं और पेशेंट को पार्ट बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट पेनफुल होते हैं. पेन एसोसिएटेड विथ नमनेस. पेन के साथ साथ नमनेस भी होता है। जो पार्ट में पेन हो रहा है, पेन के साथ साथ नमनेस भी होता है। नमनेस यानी कि सेंसेशन कम हो जाना या पार्ट नम हो जाना, इसको कहते हैं नमनेस। पेन कॉजेज पेशेंट रेस्टलेस एट नाइट। पेन की वजह से पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, नाइट में सो नहीं पाता और रेस्टलेस होता है वो। इट इज़ वन ऑफ द ट्रायल्स ऑफ द ग्रेटेस्ट पेन रेमेडीज। जैसे कि हमने डिस्कस किया ये रेस्टलेसनेस के मेडिसिन में की एक ट्रायो है, वैसे ही ये ग्रेटेस्ट पेन रेमेडी में से भी एक ट्रायो है। ये भी एक इसका इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। बाकी रेमेडीज आती है ट्रायो में की कॉफिया और चैमोमिला। नेक्स्ट सिम्टम है एक्सेसिव सेंसिटिवनेस टू द लिस्चर। अगर कोई जगह पर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो पार्ट कैसा होगा, सेंसिटिव होगा, तो उसी तरह से लीस्ट टच पर बॉडी सेंसिटिव होती है पेशेंट। नेक्स्ट सिम्टम्स देख लेते हैं। फेस ऑफ एकोनाइट पेशेंट इज अ रेड और रेड एंड पेल अल्टरनेटली। एकोनाइट पेशेंट का फेस रेड एंड पेल अल्टरनेटली होता है। जैसे कि किसी जगह पर कंजेशन हो रहा है, आर्टरीज में कंजेशन हो रहा है, टेंशन हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो फेस कैसा होगा, रेड और रेड एंड पेल अल्टरनेटली। सेंसेशन ऑफ फेस ग्रोइंग एंड स्वेलिंग। अगर इन्फ्लामेशन है तो सेंसेशन कैसे होगा, पेशेंट को हमेशा सेंसेशन होता है कि फेस ग्रो हो रहा है, उसका फेस स्वेल है। नेक्स्ट सिम्टम देख लेते हैं। एकोनाइट इज अ ड्रग फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन। एकोनाइट ये जो ड्रग है कंजेशन यानी कि कलेक्ट होना, जमा हो जाना। फ्लूइड जिस स्टेज में जमा होता है, इन्फ्लामेशन की जिस स्टेज में फ्लूइड जमा होता है, इस स्टेज के लिए एकोनाइट ये मेडिसिन सुटेबल है। देयर इज अ एक्टिव हिमोरेज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, सच एज यूटरस, एनस एंड माउथ। एक्टिव हिमोरेज यानी कि जो आर्टरीज में से हिमोरेज होता है, कैपिलरीज में से हिमोरेज होता है, उसे कहते हैं एक्टिव हिमोरेज। और जो हिमोरेज ट्रोमा की वजह से नहीं होता, इंजरी की वजह से नहीं होता, बल्कि जो हिमोरेज आर्टरीज जो है इन्फ्लाम होती है, कंजेस्टेड होती है, उसकी वजह से वो क्या होती है, डिस्टेंडेड होती है और बाद में रप्चर हो जाती है, उसकी वजह से जो हिमोरेज होता है उसे कहते हैं एक्टिव हिमोरेज। पैसिव हिमोरेज हम कहते हैं जो कि वो वेन्स में से होता है, वीनस ब्लड होता है, उसे कहते हैं पैसिव हिमोरेज। अदर सिम्टम्स देख लेते हैं। अनक्विंचेबल थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर। अनक्विंचेबल थर्स्ट यानी कि पेशेंट की थर्स्ट बहुत ज़्यादा होती है और कंप्लीट ही नहीं होती। जबकि पेशेंट पानी पी भी लेते हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में पानी, ठंडा पानी पी भी लेते हैं, फिर भी पेशेंट की थर्स्ट कंप्लीट ही नहीं होती। पेशेंट की थर्स्ट हमेशा से अनक्विंचेबल ही रहती है, कंप्लीट ही नहीं होती, पेशेंट थर्स्टी ही रहता है, इसे कहते हैं अनक्विंचेबल थर्स्ट। एकोनाइट इज इंडिकेटेड इन फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केस विच स्टार्ट सडनली एंड वायोलेंटली लाइक स्ट्रोक। एकोनाइट ये जो मेडिसिन है, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया कि फर्स्ट स्टेज के लिए कोई भी एक्यूट डिसीज के फर्स्ट स्टेज के लिए इंडिकेट करती है, जो कि सडनली और वायोलेंटली स्ट्रोम की तरह स्टार्ट होता है। यानी कि अचानक से कोई भी डिसीज आ गया और वो वायोलेंट हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा डिग्री तक सिम्टम्स प्रोग्रेस हो गए और डिसीज स्ट्रोम की तरह डेवलप हो गया। ऐसे स्टेज में जो डिसीज होते हैं उनकी फर्स्ट स्टेज में ये मेडिसिन इंडिकेट होती है। पैरालिसिस फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड। ड्राई कोल्ड विंड की वजह से पेशेंट को पैरालिसिस स्टेज आ जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट सिम्टम्स देख लेते हैं। एग्रीवेशन यानी कि पेशेंट के सिम्टम किस चीज़ से एग्रीवेट होते हैं, कब एग्रीवेट हो जाते हैं। इन द इवनिंग एंड नाइट। पेशेंट के सिम्टम्स इवनिंग और नाइट में एग्रीवेट हो जाते हैं। एमिलियोरेशन यानी कि पेशेंट को एमिलियोरेशन यानी रिलीफ कब मिलता है। बाय अनकवरिंग एंड इन द ओपन एयर। अनकवरिंग से पेशेंट को रिलीफ मिलता है और ओपन एयर में पेशेंट को रिलीफ मिलता है। अब देख लेते हैं मेंटल सिम्टम्स यानी कि माइंड, पेशेंट का माइंड कैसा होता है। देयर इज़ अ ग्रेट फियर एंड एंजाइटी ऑफ माइंड। जैसे कि हमने गाइडिंग सिम्टम्स में भी डिस्कस कर लिया, पेशेंट को बहुत ज़्यादा फियर और एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा पेशेंट को डर लगता है कि इस डिसीज़ की वजह से कि डेथ तो नहीं हो जाएगी, और ये चिंता रहती है डिसीज़ ठीक होगा या नहीं, ये डिसीज़ क्योर होगा या नहीं, डॉक्टर इस डिसीज़ को क्योर कर पाएगी या नहीं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर पेशेंट के माइंड में ये फियर और इतनी ज़्यादा फियर और एंजाइटी है, पेशेंट कैसे होगा, नर्वस होगा। तो फियर और एंजाइटी के साथ पेशेंट के माइंड में नर्वसनेस भी होता है। with great nervous excitability, which runs through the whole of the drug. यानी कि कोई भी acute disease में ये symptoms होता ही है. Patient has a fear of death in any acute disease, fear of darkness, fear of ghost, fear of going out, fear of bed, fear of go into crowd where there is any excitement or many people, fear to cross street or bridge, fear of death in pregnancy. यानी कि पेशेंट को इतने सारे फियर होते हैं. पेशेंट को कोई भी एक्यूट डिसीज में और डेथ होने का फियर होता है. उन्हें ऐसा लगता है अगर ये डिसीज ठीक नहीं होगा और ये श्योरली इनकी डेथ हो जाएगी. उन्हें डार्कनेस का, अंधेरे से डर लगता है, घोस्ट से डर लगता है, बाहर जाने से डर लगता है, उन्हें भीड़ में जाने से डर लगता है जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, जहाँ ज़्यादा पीपल्स होते हैं या कोई एक्साइटमेंट होती है, ऐसे जगह पर पेशेंट को डर लगता है. एकोनाइट इज़ अ क्लियर होएंस, यानी कि क्लियर होएंस का मतलब ये होता है कि पेशेंट फ्यूचर इवेंट पहले से प्रेडिक्ट कर देते हैं. पेशेंट को पहले से पता होता है कि उसकी डेथ कब होने वाली है. फियर ऑफ डेथ बट प्रेडिक्ट द डेट एंड इवन द आवर ऑफ डेथ. पेशेंट को डेथ का डर लगता है और पेशेंट ये प्रेडिक्ट भी कर देते हैं कि उनकी डेथ कब होगी, कौन से टाइम पे होगी. ये सब अगर समझ लो उनके रूम में एक क्लॉक सेट है तो इमीडिएटली बता देते हैं कि हैंड ये पर्टिकुलर पॉइंट पर रीच होगा तब उनकी डेथ हो जाएगी. एकोनाइट पेशेंट कॉल हिज फ्रेंड्स अराउंड हिम एंड टेक्स लीव ऑफ देम. एकोनाइट पेशेंट ऐसे प्रेडिक्ट भी कर लेते कब डेथ होगी, ये टाइम पे होगी, वो टाइम पे होगी, इसलिए वो पहले से अपने फ्रेंड्स को, उनके रिलेटिव्स को अपने आजू बाजू बुला लेते हैं, अपने पास बुला लेते हैं और उनसे अपनी लीव लेते हैं. पेशेंट इज़ वेरी मच रेस्टलेस एंड डज एवरीथिंग विच ग्रेट हस्ट. जैसे कि हमने गाइडिंग सिम्टम्स में डिस्कस कर लिया, पेशेंट बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं और कोई भी चीज़ वो फास्टली कर देते हैं, गड़बड़ में कर देते हैं. एवरीथिंग स्टार्टल्स हिम, यानी छोटी से छोटी बात भी उन्हें डरा देती है, उससे वो डर जाते हैं. द एकोनाइट पेशेंट ट्राउजर्स अबाउट इन एगोनी, यानी कि एकोनाइट पेशेंट जो होते हैं वो डिसीज के सफरिंग में बहुत ज़्यादा टॉस कर देते हैं, बहुत ज़्यादा फेंकते हैं, कोई भी बातें करते हैं. द म्यूजिक इज अनबियरेबल फॉर द एकोनाइट पेशेंट मेक्स हिम सैड. ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सिम्टम है. म्यूजिक एकोनाइट पेशेंट को बर्दाश्त नहीं होता, उसकी वजह से उनकी फीलिंग सैड हो जाती है. मेंटल कामनेस कॉन्ट्रा इंडिकेट्स द एकोनाइट, यानी कि मेंटल कामनेस एकोनाइट को कॉन्ट्रा इंडिकेट कर देता है. एकोनाइट में बिल्कुल भी मेंटल कामनेस नहीं होता. ये पेशेंट बहुत ही ज़्यादा मेंटली इरिटेबल होते हैं, एंजियस होते हैं, उनमें बिल्कुल भी मेंटल कामनेस नहीं होता. इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल एंग्विश ऑफ माइंड, एंजाइटी एंड ग्रेट फियर, सभी ऊपर के सिम्टम्स हैं. इंटेंस एंड अनकंट्रोलेबल एंग्विश, यानी कि बहुत ज़्यादा उन्हें चिंता होती है, बहुत ज़्यादा वो थिंक करते हैं कि डिसीज क्योर होगा या नहीं, वो ठीक हो जाएगी या नहीं, और उनको ये हमेशा से डर भी रहता है कि उनकी ये डिसीज़ की वजह से डेथ भी हो जाएगी. तो हमने देख लिए ये सब मेंटल सिम्टम्स. अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पर्टिकुलर सिम्टम्स. अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और शेयर ज़रूर करिए.